असम की पहचान दुनिया भर में इसकी चाय से है और इस चाय को आपकी प्याली तक पहुंचाने वाले चाय बागान मजदूरों की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए बीपी न्यूज आ पहुंचा है चुनावी राज्य असम, जहां 3 चरणों में चुनाव होने हैं। चाय के इन हरे भरे बागानों से ही असम में सत्ता की क्यारियां नेताओं की उम्मीदों के जायके को तो कड़क बनाती हैं। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के लिए आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यहां के बागानों में चाय चुनती हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार में चाय की चर्चा होती है। चाय उनके लिए राजनीति का रास्ता है, चाय पर राजनीति करने की उनकी आदत है, लेकिन ये न भूले चाय जनजाति के साथियों और इस जनजाति से निकली महान विभूतियों को मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन देने के लिए एनडीए प्रतिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। लेकिन जो नेताओं के लिए सत्ता की प्याली सजाते हैं उनके हालात कैसे हैं? उनकी जिंदगी में कितनी मिठास या कड़वाहट सियासत की वजह से खुलती है, इसी पड़ताल में छिपी है असम की सत्ता की चाबी। पहले गणित समझिए, फिर सियासी समीकरण समझने में आसानी होगी। बात करें ऊपरी असम की तो यहाँ पर 50 में से करीब 42 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर चाय बागान में काम करने वाले लोग डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, यानी यही तय करते हैं कि जीत का सहरा किसके सर बंधेगा। आजादी के बाद से चाय बागान मजदूरों को लेकर चिंता की उबाल से वादे की मिठास तक सियासी पार्टियों ने वोट पाने की खातिर सब घोल कर अपनी सत्ता की प्याली तो पाली, लेकिन मजदूरों के हिस्से सिर्फ वादों के कोयले की राख ही आई। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने चाय बागान से लेकर इन मजदूरों के घर तक का सफर तय किया, ताकि ये पता लग सके कि क्या बदला है, क्या बदलना है, किन वादों पर रीझ जाने का अफसोस है और अब किन वादों पर भरोसा है। बागान से लेकर बाड़ी तक एक ही शिकायत है कि बीजेपी ने मजदूरी नहीं बढ़ाई, जबकि इसी वादे के रथ पर उसने असम की सत्ता पाई। अभी तो हम लोग 167 मिलती है, हम तो कैजुअल काम है, 6 महीना हमारा काम होता है, 6 महीना नहीं तो इतनी सी रुपए में कैसे हम घर चलेगा, कैसे हमारा 3 लड़की का स्कूल भेज। बीजेपी सरकार आया था, हम लोग वोट डाला, वोट जिताया उसको, उस समय हम लोग को बोला था उन लोगों ने 51 रुपये हजरा हम तुम लोग को कर देंगे, लेकिन आज तक कोई ऐसा हमें रिजल्ट नहीं मिला। चाय बागान के वोट परंपरागत तौर पर कांग्रेस के वोटर रहे हैं, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने बीजेपी को वोट दिया और इन्हीं वोटरों के दम पर बीजेपी ने राज्य में सत्ता हासिल करने में भी सफलता हासिल की। भाजपा ने हर तरीके से चाय जनगोष्ठीय लोगों के भीतर, चाय श्रमिकों के भीतर अपनी पैठ बनाई है, चाहे वो किसी तरीके से हो, और वह पैठ अब कांग्रेस के वोट बैंक कहलाने वाले चाय श्रमिकों का वोट बैंक भाजपा में तब्दील हो गया। प्रतिमा मिश्रा अपनी इसी चाय यात्रा में जब इन मजदूरों के घर पहुंची तो हर तरफ सियासी अनदेखी की दास्तान पसरी हुई थी। ऐसे ही कच्चा घर है, कंपनी सरकार हमको कंपनी दिया भी नहीं है और सरकार भी घर नहीं दिया, हम लोग ऐसे कंपनी, हम तो निजे कच्चा घर बनाकर रहता है। लेकिन इस गुर्बत में भी चाय बागान के मजदूर खुश रहने की कोशिश करते हैं। प्रतिमा जब इनका दर्द जानने पहुंची, तो दर्द बयां करने के बाद इन मजदूरों ने अपनी जीवटता भी दिखाई, दर्द की थापों पर थिरकते पाओ का हुनर भी साझा किया। चाय श्रमिक जो हैं, वह एक संतोषी व्यक्ति हैं। जितना मिल गया काफी है और उन्हें कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से पिछले 5 वर्षों में लाभ पहुंचा है। उधर पिछली विधानसभा में चाय बागान मजदूरों की बेरुखी से सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस अपने पछतावे की ढोल पीट रही है। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। कांग्रेस चाय बागान मजदूरों के बीच कुछ इसी तर्ज पर अपने लिए वोट की मांग कर रही है। सवाल यह है कि वोटर्स कांग्रेस पर कितना विश्वास जताएंगे। हमारी जो गलतियां हैं उनसे भी हमको सीखना है, अगर पहले गलती की है तो गलती से हम लोग सुधार भी रहे। तो अभी हमको अगर मौका मिलता है तो 365 रुपया हर श्रमिक को मिलना बिल्कुल संभव है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि सरकार बनने के 6 घंटे के अंदर मजदूरी बढ़ाकर 365 रुपए कर देंगे। हालांकि बीजेपी इस वादे को झूठ बता रही है। का मंजूरी भी जो भी वेज है उसको हमने 80 रुपीज तक बढ़ा दिया। कांग्रेस ने 7 साल राज किया, उन्होंने ये नए काम नहीं कर पाया, लेकिन अभी राहुल जी ने जो वादा किया है ना, ये झूठा वादा है। कितना झूठा वादा किया, ऐसा लोगों को ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए।
चाय बागानों के इन मजदूरों के हिस्से में अभी तक कोरे वादों की पत्ती में उबली चाय ही आई है, जो देखने में चमकदार लगती है लेकिन पीने में बेस्वाद है। असम में चाय इस बार किसका मूड बनाएगी, ये बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी यहाँ आए लोगों को ये बात जरूर याद दिलाई कि वो भी खुद एक चाय वाले हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने चाय बागान के मजदूरों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने अपने वादों को पूरा नहीं किया और अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो सरकार बनने के 6 घंटे के अंदर चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी को 365 रुपए कर दिया जाएगा। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो, ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की, जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की, तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।